आगामी 27 मार्च की तिथि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के लिए बहुत खास होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, अग्र वैश्य समाज की धरोहर ये हॉस्पिटल समाज के लिए आदर्श और एकता का प्रतीक है। 1835 ट्रस्टियों के संगठन से बना ये हॉस्पिटल अपनी सेवाओं और उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। 27 मार्च को हॉस्पिटल के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें दो टीमें मैदान में हैं, एक समाज समर्पित टीम और दूसरी हॉस्पिटल समर्पित टीम, जहां समाज समर्पित टीम में 35 उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं, जिसमें सुभाष गुप्ता प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। तो वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल समर्पित टीम के 11 सदस्य इस चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हॉस्पिटल समर्पित टीम से अशोक गुप्ता एक बार फिर से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में भी वो हॉस्पिटल के प्रधान हैं। यह चुनाव समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित चुनाव माना जा रहा है। जीत जिसकी होगी, इसके लिए न्यूज 81 मीडिया नेटवर्क की पूरी टीम शुरू से दोनों पक्षों को कवर करती आ रही है। चुनाव को लेकर समाज के कुछ प्रतिष्ठित व ट्रस्टी भाइयों से बात की हमारे संवाददाता ने और जाना क्या है उनकी राय इस चुनाव को लेकर, तो सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीवी आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी और मैं हूं आपके साथ मानसी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग के चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे साथ इसी हॉस्पिटल के कार्यकारिणी सदस्य और साथ ही साथ ट्रस्टी भी हैं अशोक कुमार अग्रवाल जी। तो आइए आपकी बात कराते हैं उनसे। सर, सबसे पहले मैं आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहूंगी। मैं अशोक कुमार अग्रवाल पंजाबी बाग अग्रसेन हॉस्पिटल में ट्रस्टी भी हैं और कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। उसी के साथ साथ महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 22 में वाइस प्रेसिडेंट का मेरे पे दायित्व है और उसको जैसा भी समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे बखूबी निभा रहा हूँ। जैसे कि सर, हॉस्पिटल के चुनाव होने जा रहे हैं पंजाबी बाग के, तो आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इस चुनाव को लेकर? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ कि समाज समर्पित टीम जो अग्रवाल समाज की अगर कहा जाए तो कुछ हमारे अग्रवाल समाज के भामाशाह लोग हैं जिन्होंने मिल करके इस टीम को बनाया है और हमें तो एक जिम्मेदारी जिस समाज के भामाशाह को दी गई है उन लोगों की हम लोगों को मानकर चलना चाहिए। तो उन्होंने मिल करके ये टीम बनाई है, तो मेरा तो मानना है कि इनको सबको मान करके ये चुनाव नहीं होना चाहिए था और इस टीम को अपने आप में ही अनपोत तरीके से इसको हॉस्पिटल के खर्चे को बचाते हुए इस टीम को बना देना चाहिए था। सर, अब मेरा सवाल चुनावों को लेकर ही है। जैसे समाज में चुनाव होना कितना आवश्यक है और सेवा भाव के लिए चुनाव होना कितना जरूरी है? ये अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हमारा ये जो है ये एक तरह से कोई पद नहीं है, पॉलिटिकल पद नहीं है, ये एक तरह से हमारे को जिसको भी हमें दिया जाता है उनसे रिक्वेस्ट करके आज अगर हम इन 35 लोगों में से जो चुनाव समाज समर्पित टीम से लड़ रहे हैं इनको व्यक्तिगत रूप से मैं 25-30 लोगों को जानता हूं जो निस्वार्थ भाव से, चाहे कोरोना काल का समय समझिए या किसी भी तरीके का किसी भी इलाज के लिए या जरूरतमंद आदमी कोई भी आता है तो एक सेवा करनी पड़ती है, अपना व्यक्तिगत रूप से व्यापार छोड़ना पड़ता है, काम धंधा छोड़ना पड़ता है और समाज की सेवा की एक जिम्मेदारी का रूप दिया जाता है उसको, ना कि इसके लिए हमारे को कोई पॉलिटिकल के लिए कोई कुर्सी पद के लिए कोई। इसमें आप देखेंगे कि इसमें हर तरीके से संपूर्ण रूप से जो भी चुनाव में खड़े हैं आप देखेंगे उनका व्यापार वगैरह सब कुछ समाज में उनका अच्छा नाम है, फिर भी वो एक जिम्मेदारी के नाते से उसको इसको निभाने के लिए उनको प्रेशर दिया गया है कि आप लोग इस हॉस्पिटल को संभालें। जैसे चुनावों की बात चल रही है तो आप ट्रस्टी हैं, अगर दोनों पक्षों की बात की जाए तो किसको मजबूत मानते हैं, आपकी क्या राय है? मजबूती के बारे में मैं ये कहूंगा कि मेरा तो मानना ये है कि समाज समर्पित टीम जो है सबसे अच्छा, उनका एक वाक्य मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे और समाज में दोनों ही तरफ से हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़े हैं। मेरा तो मानना यह है कि भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहेगा और जो व्यक्तिगत रूप से समाज का नेक कार्य करेंगे वो जरूर सफल होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए एमएमपीवी आवाज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीवी आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी, मैं हूं आपके साथ मानसी और आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप कुमार भैया जी, हमारे साथ ही बैठे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके स्टूडियो में पधारा, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का जी और समाज अग्रणी चैनल
जो जिसके बारे में मैंने जो जाना है, आप अच्छा काम कर रहे हैं समाज में और निरपेक्षता के साथ आप न्यूज को दिखाते हैं, इसके लिए मैं आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे चुनाव चल रहे हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के, इन चुनाव को लेकर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? महाराजा अग्रसेन का चुनाव हर 3 साल में होता है जी, लेकिन पिछली बार समाज हित में और हॉस्पिटल के ये जो अग्रवाल समाज है इनके द्वारा बनाया हुआ यह हॉस्पिटल है, जिसमें समाज समर्पित टीम के जो पहले मुखिया थे, दो घरों के दो ग्रुप रहती थी पहले, वो दोनों आदमियों ने मिलके एक आदमी को, व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया और उसको प्रधान बना दिया जी। ताकि चुनाव में होने वाले व्यय और खर्चे वो अगर चैरिटेबल ट्रस्ट, महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट में लोग दान के रूप में दे देंगे, इससे विकास होगा। ताकि वो कोई कमाई का पोस्ट और कोई सैलरी वेतन नहीं है, कोई विधायक उधायक की तरह पेंशन नहीं मिलती है वहाँ, वहाँ पर बाद में गालियाँ मिलती हैं जो आदमी काम करता है जी। हाँ सर, समाज में चुनाव होना कितना आवश्यक है, सेवा भाव के लिए चुनाव कितना आवश्यक है, इसमें क्या कहेंगे आप? चुनाव होना लोकतंत्र में अच्छी चीज है, लेकिन कब होना चाहिए, किन परिस्थितियों में होना चाहिए, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि अग्रसेन हॉस्पिटल के द्वारा पिछले 6 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज का बीड़ा उठा था, जिसमें समाज के काफ़ी लोगों ने दान पुण्य किया था और उस समय के जो प्रधान थे उन्होंने घोषणा की थी कि समाज के बच्चों को और सभी तरह के, माने हर समाज के बच्चों को, दिल्ली के बाहर, दिल्ली के भीतर, जो विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, जो अभी यूक्रेन की घटना हुई है, अगर ये यूनिवर्सिटी बन गई होती तो आज वो बच्चों को हम लोग यहीं पढ़ाते और वो बच्चे मरते नहीं जी। तो ये बीच में, तो उस समय इसीलिए बीच में भी जो है आपको निर्विरोध सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया था, और अभी भी यही परिस्थिति थी कि चुनाव ना हो जी। इसके लिए दोनों ग्रुप एक हुए, समाज के बहुत सारे लोगों की प्रयास था कि ये ग्रुप जो है उनके भी कुछ जो अभी पूर्व प्रधान होने वाले हैं 27 के बाद, तो उनसे भी विचार उचार करके, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, इसलिए दो चुनाव हो रहे हैं जी। थैंक यू सो मच सर, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए MMPV आवाज के साथ। सर, सबसे पहले मैं आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहूंगी और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी आप किस संस्थानों से जुड़े हैं, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं? हम महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाब विभाग से जी। मैं, मेरा भाई और मेरे संबंधी सारे, बहुत सारे लोग उसमें पेटेंट ट्रस्टी, ट्रस्टी के रूप में हैं, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, जबकि हम पूरे अग्रवाल समाज का, मैं समझता हूँ 2-4-5% ही लोग होंगे जो मेडिक्लेम नहीं होंगे जी। और इसमें हम लोग सिर्फ इसलिए कि समाज जो महाराजा अग्रसेन का जो विचारधारा है, जिसकी उपज डॉक्टर लोहिया हुए थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में समाजवाद का एक झंडा बुलंद किया था, उसके झंडे के फसल जो आज मुलायम लालू ये लोग हैं जो उनके स्वर्ग में हैं, उनके नाम को बेच रहे हैं और ये शासन कर रहे हैं। अब महाराजा अग्रसेन का जो विचारधारा थी, 1 रुपया 1 ईंट, उस परिवार से हम बिलोंग करते हैं जी। और हमारा उसी सोच के तहत हम लोग इसमें ट्रस्टी बने थे जी। अपनी गाड़ी कमाई देखे कि समाज का भला हो जी। समाज अग्रणी हो, समाज का नाम हो जी। तो इसी चीज को अच्छे तरीका से चलते हुए अभी आ रहा था, और अभी बहादुरगढ़ में बने दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनने का सपना था, जो 3 साल में गड्ढों में पानी भर गया। इसलिए समाज के लोगों ने बैठ के अभी एक सर्वसम्मति से टीम बनाई थी, जैसे पीछे बनाई थी, पिछले 3 चुनाव भी नहीं हुए थे, इस बार भी चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो इस बार की जो टीम बनी, जो समाज का कहना नहीं मानेगा, 5 लोग जो कहें समाज में एक स्वर में, उसको किसी को भी मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानता है तो वो आदमी फिर जीतता नहीं है। तो आज 5 आदमी द्वारा जो बनी हुई टीम थी, 5 आदमी में से 1 आदमी भी हट जाए तो फिर उस फैसले को नहीं मानना चाहिए। 5 आदमी एक स्वर से बोले
प्रदीप भैया को, तो मैं गर्दन आज भी कटाने के लिए तैयार हूँ। पांच आदमी चाहे वो अपने परिवार का ही रख ले, उसमें से भी एक आदमी कहे ना ना पापा इसका गर्दन मत काटो, तो ये समाज होता है, किसी को किसी से बुराई नहीं है। हम लोग का एक ही सपना है, महाराजा अर्कसेन के नाम पर जो रुका हुआ काम है वो अभी की जो टीम ने, जिसमें महामंत्री जो पिछले बार भी कोरोना में बहुत काम किया दिल्ली में, आज उनके नाम का कोई मोहताज माने ये नहीं है कि नरेश हरण करने से कोई आदमी नहीं जानेगा, ये पूरे दिल्ली में उनको लोग पहचानने लगा, एक पहचान हो गई, और वो भारतीय जनता पार्टी के भी दिल्ली प्रदेश के संयोजक होने के नाते भी, और उसके पहले पहचान थी तब भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको सम्मान दिया, और हनुमान जी महाराज का उनके ऊपर बहुत कृपा है, समझे ना, तो इसलिए हम लोग भी जो है उनसे, हम लोग से भी 100 रुपया चढ़वा देते हैं कि कोई काम रुका तो 100 रुपया दो, काम हो जाता है, तो हनुमान जी की उन पर विशेष कृपा है। और उनके जैसे सुभाष गुप्ता जी जो हमारे हैं, और अभी जो इस टीम के मुखिया दो आदमी थे, डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, डॉक्टर सुशील गुप्ता, ये सब लोग बैठ के टीम को बनाई और अच्छी टीम बनी है, और 27 तारीख को चुनाव होना है रविवार को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सूरज भगवान जैसे हैं, उनका चुनाव चिन्ह भी सूरज है, जो सूरज जो है सबको रोशनी देता है, जब ये डूबता तो पूरा सृष्टि अंधकारमय हो जाता है, तो ये सुबह का सूरज उगेगा, इनको जिता के फिर अस्त हो जाएगा जी। सर साथ ही साथ मैंने आपके परिचय भी जानना चाहा था कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, सेवक हूँ, पार्टी ने मुझे दायित्व दे रखा है दिल्ली प्रदेश कोषाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा में, और मैं उस दायित्व को निभाता हूँ, और इस पार्टी में कोई बड़ा नहीं होता, इसमें सभी सेवक होते हैं, और ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जब कहा कि मैं देश का चौकीदार हूँ, तो हर नेता इसमें सेवक है। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन,